पूछो पूछो, शुरू हो जाओ। स्टेज क्लियर, स्टेज क्लियर। गाइस या प्लीज कम। थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स योर नेम? किशोरी, नाइस टू मीट यू किशोर। थैंक यू, थैंक यू किशोर, थैंक यू सो मच। नीड योर गुड विशेस। या एब्सोल्युटली। ओके स्टार्ट, स्टार्ट। ओके फील क्लियर। ओके रोल, क्या रोल? सो सो गुड टू सी यू सर एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द ओटीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आना, तू बैठ सामने आना, बैठ जाना इधर। अरे ये बैठेगा चुपड़ी मार के बैठेगा नहीं यार। हाँ बोल। अरे नहीं आता रे, नहीं आएगा। हाँ नहीं, हाँ ये देखो। हाँ जब भी ओटीटी की बात होती है तो सबसे पहला नाम सलमान सर का आता है, तो जब सलमान सर का नाम आता है, करण जोहर का क्यों नहीं आता? करण जोहर का भी आता है पर सबसे पहला करण जोहर। नहीं करण जोहर का भी तो आता है ना, सलमान जी का भी आता है, करण जी का भी आता है, और अभी तो कपिल शर्मा जी भी ओटीटी कर रहे हैं। उनका शो था, बहुत कामयाब हुआ, तो हाँ सलमान जी का आता। हाँ बताइए। अच्छा देखिए, मैंने कहा ना, जब प्रेशर में आदमी अच्छा काम करता है। जब तक प्रेशर नहीं होगा काम अच्छा नहीं करेगा। प्रेशर होगा, ट्रोलिंग होगी, तो और आदमी और मेहनत करेगा, और दिल से काम करेगा। हीरो जनता बस डिसाइड करेगी, करेक्ट ना? करेक्ट कि ये करेक्ट। जितनी ये तो फिल्म, ये तो शो ऐसा ही है कि जितनी ट्रोलिंग हो, जितना कुछ हो उतना बेटर है। जितनी कॉन्ट्रोवर्सी हो तो करो, जितना करना करो, खुल के करो। और सलमान सर का जो अंदाज था, जिस तरह से वो गुस्सा होकर नीचे ले जाते थे, कंटेस्टेंट को झगड़ा करने लगते थे, हाँ जी, आप भी किसी अंदाज से दिखने वाले हो? वो तो आपको देखना पड़ेगा। अनिल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर बात को जिससे बात करते गुस्से के, भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा नहीं, देखिए क्या होता है कि हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है, करेक्ट ना? करेक्ट, हैंडल करने का सिचुएशन। तो घर है, जो कुछ भी आप चीज़ें करता है, एक इन अ वे हाउ डू यू हैंडल योर लाइफ, हाउ यू हैंडल योर करियर, हाउ यू हैंडल कि आपकी लाइफ में कितनी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कितनी चीज़, कितनी बार लोगों ने आपकी जिल्लत, आपका मजाक उड़ाया। इस 45 साल के मेरे करियर में कितने लोगों ने बोला इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी मूछें, ये स्टार नहीं बन सकता, इसके बाल हैं, शक्ल नहीं है, ये एक्टिंग नहीं कर सकता, ये स्टार नहीं बन सकता, ये फिल्म नहीं चलेगी, वो फिल्म नहीं चलेगी, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सबके साथ हुआ है, समझा ना? तो वो डिपेंड हमारे और आपकी, वो एक इसके किसी के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। आपका काम है, दिल से काम करो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। मैंने तो ऐसे ही किया, दिल से करूँगा, जैसे पूरी टीम अच्छी है, पार्टिसिपेंट अच्छे हैं, मैं अपने हाथ जोड़ के दिल से काम करूँगा, बाकी मैं ऊपर वाले को के हाथ में छोड़ दूँगा, करेक्ट ना? जनता के हाथ में छोड़ दूँगा, वो डिसाइड करेंगी, वो जनता ही हमारी, हमारे माए बाप है, वो डिसाइड करेंगे। मैं क्यों बताऊँ आपको सब कुछ, मेरा गुस्सा कैसे है शो में देखिए, गुस्से से शो नहीं चलता, समझे ना? समझदारी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, देयर हैज टू बी अ बैलेंस, देयर हैज टू बी, अभी कोई ऐसा किरदार है, कोई पार्टिसिपेंट है, यू सी देयर सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ बड़ा इतनी टेंस सिचुएशन होती है उनके लिए भी, तो कभी कभी वो ओवर रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, तो मुझे उनके साथ एम्पथी भी दिखानी पड़ेगी, उनके साथ प्यार से भी बात करना पड़ेगा, और कभी कभी वो लाइन को क्रॉस करेंगे तो उनके डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, यू नो, तो इट विल बी, आई हैव टू सी इट, हैव टू रिएक्ट टू इट, क्या होता है, कैसे मैं रिएक्ट करूँ, आई एम राइट रॉन्ग? तो सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलता, अगर गुस्से से काम चले तो काम बिगड़ता है, पहले समझाना पड़ता है लोगों, फिर अगर नहीं समझता तो फिर अब सिर्फ TRP के लिए मैं गुस्सा करूँगा, वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ, मुझे जो दिल से जो मुझे लगता है ट्रू है वो मुझे करना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, दैट इज लाइफ, दैट इज व्हाट इट इज, बट आई विल बी ट्रू टू माय सेल्फ। उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बोल दिया है कि ऐसा कुछ हो तो भैया हम दोनों मिलकर सही करेंगे, वो तो हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि एडवांटेज ये हो गया कि सलमान और मैं बहुत
करीबी दोस्त भी हैं और भाई जैसे, और बहुत फिल्मों में हमें काम भी किया, तो उससे क्या है, देर इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ अ कॉमरेडरी है, एक दोस्ती है हम लोगों की, कोई हम लोग एक दूसरे का कॉम्पीट नहीं किया, आज तक नहीं किया, करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे उनसे उम्र में बड़ा हूँ, वो मेरे से छोटे हैं, करेक्ट ना, मगर कभी कभी हमने ऐसा महसूस नहीं किया वो मेरे से छोटे हैं बड़े हैं, हमने हमेशा ऐसे बात की जैसे हम सेम उम्र के हैं, सेम हम उम्र के, बीवी नंबर वन की, नो एंट्री की, कितनी फिल्में की हमने साथ में, यू नो काफ़ी फिल्में काम किया, और हमारा अच्छा रिश्ता है और रिश्ता रहेगा सारी ज़िंदगी। अभी क्या है, यही तो मज़ा है शो, समझे ना, इसलिए तो हर चीज़ का यही मज़ा है कि, मगर कुछ देर आर सर्टन थिंग्स विच यू कांट क्रॉस द लाइन, और जब कोई क्रॉस लाइन करेगा तो आई एम देयर टू करेक्ट देम, बिग बॉस इज देयर, आई एम देयर, वी करेक्ट इट, वी सी हाउ इट गोज। हाँ जी, आपसे, हाँ कोई और पूछना चाहेगा? हाँ, क्योंकि मेरा ये रिएक्शन था कि वो मेरा पहला रिएक्शन ये होता है, जो भी मुझे कोई भी एक काम या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, या कोई मुझे ऐसी ऐसा असाइनमेंट मिलता है कहीं से भी, दुनिया से कहीं किसी कोने से, हिंदुस्तान में, बाहर से, वगैरह वगैरह, तो पहले तो मैं उनसे पूछता हूँ, यार मुझे क्यों, वाई मी, यू नो वाई मी, तो जब बोलते हैं येस वी वॉन्ट यू एंड वी वॉन्ट यू टू डू इट, सो आई फील वेरी हैप्पी, यार काम तो मिल रहा है आपको, यू नो अच्छा काम मिल रहा है और आप दिल से करेंगे, वही है, यू नो यू अंडरस्टैंड मी, दैट इज़ माई बीन माई, सो आई वॉज हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी एंड वॉन्ट टू डू माई बेस्ट, एंड मैं सीखूंगा इसमें, बहुत कुछ सीखूंगा, दो अलग अलग लोगों से मिलूंगा, अभी ये शो शुरू नहीं हुआ, मैं इतने लोगों से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं जब वहाँ गया तो बिग बॉस की जो पूरी टीम से मिला, उनसे मिला, कितने 350 लोगों को ऑलरेडी मैं मिल चुका हूँ, यू नो, नहीं तो क्या होता, आप एक कमरे में रह रहे हैं, दो एक दा फिल्में कर रहे हैं, उन चार लोगों को ही मिल रहे हैं, अब कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं, इसकी उनकी मुझे लाइफ के बारे में पता चलेगा, सो आई विल बिकम सो मच रिचर। आई फील सलमान के सक्सेस और करियर में बिग बॉस का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, दैट इज़ द रीज़न उसकी फिल्में इतनी कामयाब हुई हैं, क्योंकि वो समझता है ऐसे लोगों को, आई एम वेरी श्योर कि अदरवाइज उनका, यू आर नॉट इन टच, अभी आई एम इन टच, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, सबके मेंटल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मुझे बात तो समझ में आई कहाँ से किधर, तो मैं इधर ही अपना एक एसी रूम में बैठ के अपना दो चार फिल्में, एक आध फिल्म करके करूँ, किसी को मुलाकात ही नहीं, वही 10 लोगों को मिल रहा हूँ, दैट इज़ बीन माई जर्नी ऑफ माई करियर, कि मैं दुनिया के कोने कोने में मैंने कहा कि यार अब मुझे छोटा रोल करने की क्या ज़रूरत है समडाउ मिलने में, या मुझे अपना 24 में टीवी वहाँ करने की क्या ज़रूरत है, मगर मेरा दायरा कितना बड़ा हुआ उससे, समझे ना, और कभी कभी ऐसी भी फिल्में की हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैंने एनिमल किया, मैंने जब दिल धड़कने तो किया था, बोले यार तू प्रियंका चोपड़ा जी का और अपना रणवीर सिंह के फादर का रोल कर रहा है, तू तो हीरो है, क्यों कर रहा है तू, इमेजिन करो अगर मैं नहीं करता तो आई वुड हैव मिस्ड दैट फिल्म, रणवीर कपूर के फादर का रोल, मुझे फादर का रोल, तू तो यार इतना यंग लग, तो फादर का रोल क्यों कर रहा है, इमेजिन मेरे करियर में एनिमल नहीं होती, आज देखिए कितनी फिल्में मैंने ऐसी की हैं और मैं कर रहा हूँ, अगर ये दिमाग में रहूँगा कि मुझे ऐसे ही रहना है, मेरे को हीरो ही रहना है, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल करना है, तो मैं पीछे रह जाऊँगा, काम करने का मौका ही नहीं मिला, क्या होगा, नहीं चलेगा ना, बुराई होगी ना, तो क्या हुआ, इतने साल किया है मेरा, आई हैव अ ग्रेट बॉडी ऑफ वर्क, एवरीबडी नोज मी एज अ पर्सन, सब मुझे जानते हैं, सब मेरे साथ काम कर चुके हैं और सबने मेरे को रिपीट किया है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कुछ तो बात होगी ना मेरे में, सही बात है ना, सही बात है, और सलमान आपका क्वेश्चन घूम फिर के वही होता है, और किसी के पास है? हाँ जी, कोई और एनीबडी, हाँ जी, बहुत शरीफ लग रहे हैं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं तो अपना काम करता हूँ।
अपना सर नीचे रखो और अपना काम करो, इसके बारे में सोचो ही मत, अपना सर अपना काम करते रहो बस। कौन किसको क्या बोल रहा है सुनने का ही नहीं, सुनने का ही नहीं, बोलने दो, अपना काम करो, हैंडसम लगो, कपड़े अच्छे पहनो, दिल से काम करो, मेहनत करो, किसको क्या बोलना बोलने देना, क्या फर्क पड़ता। अभी मैं ये सोचने लगूँ तो कैसे काम करूँगा, लोगों का काम है बोलना, बोलने दो, क्या पड़ता। हाँ जी अरे क्या किसको मालूम है क्या होने वाला है, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, यू हैव टू लिव विद योर प्रेजेंट। यार प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी हुई कि नहीं हुई, आप लोगों को मजा आया कि नहीं, खुल के आप लोगों ने सवाल किए, मैंने जवाब किए कि नहीं, मैंने अपना को बहुत सुपरस्टार समझ के बोला नहीं मैं एक लोगों से बात करूंगा चला जाऊंगा, ऐसा किया मैंने, बिंदास बात की कि नहीं, बात की अच्छी तरह बात की कि नहीं, कही नहीं तो नहीं बोले नहीं मैं दो क्वेश्चन ही बोलूंगा तीन ही करूंगा, ऐसा किया मैंने, किया मैंने। आप भी गए ना दूसरे, ये सब इतने सालों से मुझसे सवाल करते हैं, कितने जर्नलिस्ट जो हैं जानते हैं मुझे, आज भी उनके साथ मेरी दोस्ती है, सीनियर हो गए हैं, बहुत सीनियर हो गए हैं, काम नहीं कर रहे मगर मेरी अभी भी उनसे दोस्ती है और दोस्ती रहेगी आप लोग सबसे। राइट और रॉन्ग बोलो भाई। नायक का मुख्यमंत्री आज देखा सर हमने, हाँ जी नायक पिक्चर का मुख्यमंत्री आज देखा हमने, देखा ना लग रहा है ना एकदम नायक जैसा लग रहा है ना एकदम। थैंक यू थैंक यू सर, इधर से यहाँ से